Hello everyone, I'm going to start new CA final audit live batch once again from 17th of May, just after the CA final exams. Your CA final exams, which is going to happen in May 2024, is going to get over on 16th of May. From 17th of May, I'll start a new batch, live batch of CA final audit. This is my second live batch of CA final audit after the new syllabus. First बैच जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, वो ऑलरेडी मेरे वेबसाइट पर लिस्टेड है, आप देख सकते हो. दिस इज़ माय वेबसाइट siddharthagarwalclasses.com. माय क्लासेस फाइनल ऑडिट आर अवेलेबल ओनली एट माय वेबसाइट, ठीक है, बिकॉज आई वांटेड कि एकदम सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड रहें और मेरे वेबसाइट पर आके क्लासेस परचेज करें. सो क्लासेस आप मेरे सेंटर पे परचेज कर सकते हो और यू कैन परचेज एट माय वेबसाइट. तो मेरे वेबसाइट पे ये देखो, आप देखोगे जाके कि सी ए फाइनल ऑडिट टॉप में एकदम, द मोमेंट यू ओपन माई वेबसाइट ना, आपको शुरू में एकदम दिखने लग जाता है कि ये हैं वो सब्जेक्ट्स जो आपको परचेज करने हैं. सो सी ए फाइनल ऑडिट के आप देखोगे कि दो अलग अलग क्लासेस यहाँ पर लिस्टेड है मेरे वेबसाइट पे, एक नंबर दो नंबर. क्या फ़र्क है सर दोनों में? ये जो बैच आप देख रहे हो ना, ये है कंप्लीटेड बैच. ये बैच ऑलरेडी जो हुआ था वो कंप्लीट हो चुका है. इसमें क्या है कि इफ़ यू टेक दिस वन, यू गेट ऑल द 80 क्लासेस प्लस द बुक्स इन वन शॉट, एक बार में आपको मिल जाता है. फिर आप अपने हिसाब से जब चाहे प्रिपेयर कर सकते हो. इसकी फीस है 9990, विच मीन्स इफेक्टिवली 10,000 रुपीज़. और बगल में यहाँ पर ये है न्यू बैच जो ऑलरेडी मेरे वेबसाइट पर लिस्टेड है, यू कैन स्टार्ट परचेजिंग इट फ्रॉम नाउ. ये फ्रेश न्यू लाइव बैच है जो होने जा रहा है और इसकी फीस है 11,000, ठीक है. तो मैं इस न्यू बैच के बारे में आपके साथ सारा डिटेल डिस्कशन अभी करने जा रहा हूँ. ओके, दिस इज द पोस्टर ऑफ माई न्यू फाइनल ऑडिट बैच. एक एक करके सारे डिटेल्स में दे दूंगा. प्लस सी ए फाइनल ऑडिट में स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, मन में उनके बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, वो सब मैं एक एक करके दूर करूंगा. बट प्लीज़ लेट मी गिव यू द डिटेल्स ऑफ द क्लासेस, देन आई विल क्लैरिफाई ऑल दोज क्वेश्चंस. देखो स्टूडेंट्स लोगों के क्वेश्चंस और कमेंट्स तो आते रहते हैं जिनसे पता चलता है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस पर भी मैं बात करूंगा, सारी कन्फ्यूजन दूर करूंगा. बस मेरी बातों को एक बार सुन लो. पहले मैं डिटेल्स दे देता हूँ आप लोगों को. सी ए फाइनल ऑडिट न्यू सिलेबस, ऑब्वियसली द क्लासेज आर वैलिड फ्रॉम 24 to 26, मतलब नवंबर 24 से लेकर नवंबर 26 तक जो भी एग्जाम्स होगा उसके लिए वैलिड है. लोगो एक ही है, प्रिपेयर वंस प्रिपेयर राइट, एकदम सही तरीके से एक ही बार में पढ़ लो. गलत तरीकों से जाने से क्या बहुत नुकसान हो जाता है, ठीक है. आई विल बी प्रोवाइडिंग यू 6 बुक्स, ओके. ये तीन एकदम मेन, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, और वो तीन जो उधर आप देख रहे हो दैट इज क्वेश्चन बैंक 1, 2, 3, ठीक है. तो वॉल्यूम 1 के लिए क्वेश्चन बैंक 1, वॉल्यूम 2 के लिए क्वेश्चन बैंक 2, वॉल्यूम 3 के लिए क्वेश्चन बैंक 3. इस तरह से 6 बुक्स है, कलर्ड बुक्स है, ठीक है. ये देखो आप, ये कलर्ड बुक्स है पूरी वॉल्यूम 1, 2, 3. बहुत अच्छी तरह से मैंने हर चीज़ को सजाया है. कलर बुक का मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती का कलर भरा है, ठीक है. कलर एक इस तरह से बनाया गया कि इन्फॉर्मेशन और अच्छे से निकल के हमारे आँखों में समा जाए ताकि हम याद कर पाएँ. द एंटायर पर्पस इज़ टू फैसिलिटेट योर लर्निंग एंड मेमोराइजेशन प्रोसेस, ठीक है. अब इधर आते हैं बैच के डिटेल्स. इट इज़ अ लाइव बैच, चार ऑप्शंस है, लाइव एट होम, लाइव एट सेंटर, गूगल मोबाइल ऐप एंड गूगल ड्राइव. मेरा सजेशन यही रहेगा कि प्लीज़ ट्राई टू डू लाइव क्लासेस. लाइव क्लासेस में क्या होता है, एक तो ये थ्योरी सब्जेक्ट है, ग्रुप 1 में अकाउंट्स SFM के बाद ये थ्योरी पेपर है. तो थ्योरी पेपर अगर आप लाइव करते हो ना तो आपकी एक बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, समझना मेमोराइज करना सब क्लास के साथ साथ होते चला जाता है. देखो कुल मिला के ऑन एन एवरेज बोलूँगा 180 आवर्स के आसपास होगा, 180 आवर्स. तुम इमेजिन करो अगर एक स्टूडेंट 12 घंटा एक दिन में पढ़ता है, एक दिन में अगर 12 आवर्स स्टडी करते हो तो 15 × 12 कितना होता है, 180. सो 180 आवर्स का बैच मतलब इफेक्टिवली अगर मैं बोलूँ टोटल एक साथ श्रिंक करके तो इट इज़ हार्ड डे हार्ड कोर 15 डेज ऑफ एफर्ट. 15 दिन के अंदर आप पूरा सी ए फाइनल ऑडिट, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस कवर कर लोगे. मतलब उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है पढ़ने को. वी आर गोइंग टू प्रिपेयर 100%. ना हम यहाँ 40% पढ़ेंगे, ना 50%, ना 60%, ना 80%, ना 90%, और ना ही 110-120% पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट 100% ऑफ ICI कवरेज. हर चीज़ मैं कराऊंगा जो इंस्टीट्यूट किताब में, मेरी किताबों मेरी क्लासेस के अलावा एक बूंद भी अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा. तो मेरा तुमसे सजेशन है प्लीज़ लाइव क्लासेस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इफ़ पॉसिबल लाइव एट सेंटर, नहीं तो लाइव एट होम. जो स्टूडेंट्स
लाइव क्लासेस लेते हैं ना, लाइव एट होम या सेंटर, उनको भी 100% बैकअप मिलता है घर पे करने के लिए, कि अगर किसी दिन क्लास मिस हो गया तो घर पे एक व्यू है, आप देख सकते हो क्लास को, ठीक है। और जिनको टाइम नहीं है कि नहीं हम लाइव नहीं करेंगे सर, हम अपने कन्वीनियंस से अपने रूटीन से पढ़ेंगे, ओके सर, आप लोगों के लिए गूगल ड्राइव और मोबाइल ऐप तो अवेलेबल है ही, 1.5 व्यू। वैलिडिटी पीरियड जो आपको मिलेगा वो 9 months का वैलिडिटी पीरियड रहने वाला है, विच इज़ क्वाइट कम्फर्टेबल पीरियड। मैं अपने सारे इंटर फाइनल के स्टूडेंट्स को 9 months की वैलिडिटी देता हूँ, ठीक है। क्लास टाइमिंग्स क्या होंगे सर, 6 days a week Monday to Saturday, एकदम मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त होता है पढ़ाने का। मैं हमेशा फाइनल के बैचेस को मॉर्निंग में रखता हूँ, बिकॉज सबसे बेस्ट टाइम है, ऑफिस की झमेले चालू होने के पहले सुबह सुबह क्लास कर लो, सुबह सुबह एक हार्ड काम खत्म हो जाता है ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तुम सुबह सुबह ही जब 10 बजे खड़े होगे तुमको लगेगा यार आज एक बहुत बड़ा काम कर लिया, एक क्लास में आज कितना कुछ ऑडिट कंटेंट सीख लिया, एकदम हार्ड सब्जेक्ट को पकड़ लिया, तो फिर पूरा दिन तुम अच्छे रिदम में रहते हो, पूरा दिन अच्छा गुजरता है। तो एकदम मॉर्निंग में क्लास है अपनी, बैच 3 months का ड्यूरेशन डाला है मैंने, 17 May to 17 August, कीपिंग इन माइंड कि इसमें संडे ऑफ है, फिर अगर कोई कंटिंजेंसी हो गया तो टोटल क्लासेस 60 to 70 जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 महीने का समय लिया है कंफर्टेबल, कि कोई छुट्टी वुट्टी हो जाए संडे वनडे के लिए, तो 60 to 70 क्लासेस है अपने, ओके, टोटल 60 to 70 क्लासेस। एक क्लास 3 घंटे की होती है ब्रेक लेकर, मतलब 2 hours 45 minutes पढ़ाने का टाइम होगा। तुम देखोगे कि मेरी क्लास का टाइम 2 hours 45 minutes के आसपास रहेगा रिकॉर्डेड टाइम, और 15 मिनट तो ब्रेक का टाइम होता है, ओके। टोटल 165 से लेकर 190 hours के आसपास जाएगा मेरे। देखो बैच जब पढ़ना चालू होता है जिस रिदम में हम लोग जाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोअर होगा कि हायर होगा, मतलब वो 165 में होगा कि 190 में, वो पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये जो आप देख रहे हो कि 165 से 190 आवर्स है जो 25 घंटे का, वो उस वेरिएंस की वजह से होता है कि वो कैसे कैसे रिदम जा रहा है, ठीक है। तो इट कैन बी मतलब लोअर साइड, और इट कैन बी ऑन दी हायर साइड, और इट कैन बी एग्जैक्टली इन द मिडल। नए सिलेबस में ICAI ने वेटेज निकाल दिया है, ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर 19 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स सर? 19 चैप्टर्स है। ये आप देखो, ये एकदम एज पर ICAI है, Volume 1, 2, 3। Volume 1 जो आप किताब देखते हो इसमें पहले टोटल 19 चैप्टर्स है, तो Volume 1 में होता है Chapter 1 to 7। फिर ये Volume 2 की किताब है, इसमें होता है Chapter 8 to 14। और फिर ये Volume 3 है, इसमें होता है Chapter 15 to 19, ठीक है। इस तरह से टोटल 19 चैप्टर्स, 19 चैप्टर्स में से 11 चैप्टर्स स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। और ICAI का नया वेटेज आ गया, मैंने टेलीग्राम में डाला था कल या परसों, तो इन्होंने बोला है कि 11 चैप्टर जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका मिला के 55% वेटेज है। सो स्टैंडर्ड्स को सर बड़ी खूबसूरती से वर्ड बाय वर्ड एग्जाम्पल के साथ समझा के और याद करने का भी सारा ट्रिक मैं क्लास में करूँगा। मतलब जब अपना बैच खत्म होगा तुम्हारा ऑडिट 100% खत्म, तुमको पता है कहाँ क्या है, क्या टॉपिक है, क्या मतलब है, याद कैसे करना है, उसका ट्रिक क्या, एवरीथिंग यू विल नो। तो इन डेप्थ डिस्कशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट मेमोरी टेक्निक्स, डायग्राम्स एंड समरी चार्ट इनसाइड द बुक, ओके, 100% कवरेज ऑफ ICAI मटीरियल, सारे नए तरह के क्वेश्चन आंसर। पुराना 10 साल का स्कैनर बेकार हो गया है, वो आप फेंक दो कोई फायदा नहीं है। पुराने 10 साल में जो क्वेश्चन आएंगे भाई वो आएंगे ही नहीं, वो बदल गए हैं, पैटर्न बदल गया है, टॉपिक पैटर्न, जो स्टैंडर्ड सेम भी हैं उस स्टैंडर्ड का कवरेज वो चेंज हो गया है। लोग सोचते हैं सर स्टैंडर्ड्स तो वही है, सर बेयर स्टैंडर्ड्स बहुत बड़े होते हैं, ICAI उसमें से टॉपिक सेलेक्ट कर करके अपनी बुक में डालता है और आपको वही पढ़ना होता है। तो स्टैंडर्ड भले ही सेम हो पर उसके अंदर जो टॉपिक का कवरेज ओल्ड सिलेबस में और न्यू सिलेबस में था वो सेम नहीं है, और जो क्वेश्चन पैटर्न इन्होंने नए वाले बनाए हैं ना वो भी बहुत डिफरेंट टाइप के, वो सेम नहीं है, ठीक है। सो न्यू क्वेश्चन आंसर पैटर्न, केस स्टडी बेस्ड MCQ एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। फीस विल बी 11,000, दिस इज आफ्टर डिस्काउंट। फीस ये मेरे, अच्छा फीस को लेके ना देखो क्या है कि एज अ टीचर मुझे हमेशा थोड़ी फीस के बारे में बात करने में मुझे संकोच होती है, कि मतलब मैं टीचर हूँ मेरे को पढ़ाई के बारे में बात करना चाहिए, फीस के बारे में नहीं, पर क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीस को लेके ये कंसर्न रहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज़ आप समझो। अगर आप एक अच्छा सामान खरीदते हो तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है, या आप मान के चलो जैसा सामान होगा वैसी कीमत होगी। मैं अपने ऑडिट सब्जेक्ट में बहुत दिलो जान से मेहनत करता हूँ, और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फीस है ये कम है, ये कम है। 2020 में आज से 4 साल पहले जो मैंने फाइनल का बैच लिया था उसमें मेरी फीस थी 11,500, ठीक है। आज 4 साल बाद
वो भी सेकेंड लाइव बैच अनाउंस कर रहा हूँ, वो भी 11,000 पे, तो ये भी कम है। ये तो फीस बढ़नी चाहिए, उल्टे कम है, क्योंकि आप एक एक क्लास में देखोगे कि कितना मेहनत मैं पुट करता हूँ। यू वॉन्ट डेमो क्लासेज इज ऑलरेडी देयर। अभी अभी फाइनल ऑडिट का एक बैच खत्म किया था मैंने मार्च में, 80 क्लासेज है, जो दिखाया था ना वेबसाइट में, अभी उसके पहले 5 क्लासेस मेरे चैनल में आप जाके देखो, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल पे 5 ऑडिट के डेमो क्लासेस मिलेंगे फाइनल के। आप क्लास करके देखो फिर आप बात करो, आप मेरी क्लास करके देखो फिर आप तुलना कर रहे हो। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट तुलना करता है कि नहीं फीस ज़्यादा है कम है, तो फीस के साथ आप प्लीज़ मेहनत और क्वालिटी को भी कंपेयर करो, आपको फ़र्क दिखेगा, बहुत ज़्यादा ही फ़र्क दिखेगा। जाके देखो क्लास, मतलब मैं बोलूँगा तो मानोगे नहीं, डेमो क्लास है आपके सामने यूट्यूब में, पब्लिक डोमेन में, यू गो एंड वॉच द फर्स्ट फाइव क्लासेस तो मेरी डाली भी है, वो तो यूट्यूब पे फ्री है, वो जस्ट वॉच करो ना, उसको देख के तुमको पता चलेगा बाप रे ऑडिट क्या होता है। तुम्हारी ऑडिट सब्जेक्ट के बारे में जो सोच है, डर है, संकोच है, तुम्हारे मिथ हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। जस्ट वॉच द फाइव क्लासेस, वो तो प्योर गोल्ड कंटेंट है, तुमको एक नॉलेज मिलेगा। तो यार हर क्लास में अगर मैं इतना हार्डवर्क डालूंगा तो ऑब्वियसली मेरी फीस भी उसी हिसाब से होगी। तो फीस के बारे में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, इसीलिए मैंने उनको एक बार एड्रेस कर दिया, ठीक है। सो दिस इज द डिटेल ऑफ द कंप्लीट सीए फाइनल ऑडिट न्यू बैच दैट इज गोइंग टू स्टार्ट। पूरा डिटेल्स टाइमिंग्स आपके सामने है। कहाँ से खरीदना है सर? मेरे वेबसाइट पे आप जाके देखो, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको पिछले वाला बैच चाहिए कंप्लीटेड तो उस तरफ है, ठीक है, वो 10,000 के आसपास है। नया वाला जो है वो 11,000 है, ये आपके सामने है। वो ये लाइव बैच मतलब नया होगा, नए तरीके से होगा, सब कुछ इसमें डिफरेंट होगा। नाउ कमिंग डाउन टू द मिथ्स ऑफ सीए फाइनल ऑडिट, ठीक है, दो चार बहुत गलत फहमियाँ हैं सीए फाइनल ऑडिट को लेकर, और वो एक्चुअली हम ही लोग हैं, हम लोग इंसान हैं, हम स्टूडेंट्स, हम टीचर्स, हम ही तो ये सब बातें करते हैं, और वही तो बाद में मिथ बन जाती हैं। पहला मिथ कि फाइनल ऑडिट जो सब्जेक्ट है उसके लिए क्यों मैं पैसे खर्च करूं, मैं इससे बढ़िया सेल्फ स्टडी कर लूँगा। देखो पहली बात तो पैसा खर्च करना नहीं करना वो आपकी इच्छा है। एज अ टीचर मेरा काम क्या है? टू मेक योर लर्निंग प्रोसेस ईजी। ऑब्वियसली कोई भी टीचर आपके लिए जाके एग्जाम नहीं देगा, आप खुद दोगे, लेकिन आपकी मेहनत को हम निखार सकते हैं, ईजी कर सकते हैं और बढ़िया बना सकते हैं। कैसा एग्ज़ाम तुम्हारा जाएगा, कैसा प्रेजेंटेशन होगा, कैसी तुम्हारी नॉलेज होगी, उसको मैं बहुत बेहतर बना सकता हूँ और जिसमें मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, ठीक है। दूसरा मिथ होता है कि फीस की बात तो मैं कर चुका हूँ तो फीस के बारे में अब और बात नहीं करूँगा। दूसरा मिथ ये होता है कि फाइनल ऑडिट की क्लास हमें कब करनी चाहिए, हमें लास्ट में करनी चाहिए, शुरू में करेंगे तो भूल जाएंगे। सर भूलते हम सब कुछ हैं। आपको मैं एक बात दावे से बता देता हूँ, ग्रुप वन में फाइनल में जो तीन पेपर है ना, FR, AFM और ऑडिट, इसमें तीनों के तीनों ऑलमोस्ट नॉन अमेंडमेंट वाले सब्जेक्ट हैं। FR में भी बहुत कम अमेंडमेंट होते हैं, INDAS में कभी कभी अमेंडमेंट आता है, बहुत कम। AFM में भी अमेंडमेंट होते ही नहीं है, नए नए क्वेश्चन आते पर अमेंडमेंट नहीं होता। ऑडिट में भी सर ये लॉ नहीं है, इसमें भी क्या बार बार अमेंडमेंट नहीं होता, हाँ नए नए क्वेश्चन आते हैं वो है, कभी कभार स्टैंडर्ड में कोई अमेंडमेंट आ गया, किसी टॉपिक में आ गया, तो बहुत कम होता है। तो तीनों के तीनों सब्जेक्ट जो ग्रुप वन में आते हैं वो नॉन अमेंडमेंट है, ठीक है। भूलते हम सब कुछ हैं, हम FR भूलेंगे यानी INDAS, हम AFM भूलेंगे, हम ऑडिट भी भूलेंगे, हर चीज़ भूलते हैं, पर रिविजन बार बार करते रहने से, लगातार प्रैक्टिस से वो बढ़िया होते जाता है। समय के साथ क्या होता है ना, माइंड ग्रो होता है, जो कॉन्सेप्ट तुम क्लास में सीखते हो वो तुम्हारे दिमाग में ग्रो करना चालू कर देते हैं और ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट करते हैं। ये एक उल्टा गलत फहमी है कि हम एंड में पढ़ेंगे तो हमको ताज़ा याद रहेगा, बल्कि आप एंड में पढ़ोगे ना तो आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आप हड़बड़ी में पढ़ोगे, एकदम भाग भाग के पढ़ना चाहोगे, फोकस नहीं करोगे। अभी आप पढ़ोगे पूरा आनंद के साथ उठा के धीरे धीरे पढ़ोगे, और वो लॉन्ग टर्म ब्रेन में घूमते रहता है, उसका न्यूरॉन कनेक्शंस बनते रहता है। तुम खुद सोचो, तुम लोग फाइनल के स्टूडेंट हो, एक समय जब तुम इंटर में थे तुमको इंटर हार्ड लगता था कि नहीं, पर आज फाइनल का सिलेबस देखने के बाद इंटर ईजी लग रहा है कि नहीं? समय के साथ साथ हमारा माइंड गेम बढ़ जाता है, समय के साथ साथ वो नॉलेज जो हमने सीखी रहती है, कभी कभार ऐसा नहीं होता कि तुमने कोई टॉपिक पहले सीखी थी तब समझ में नहीं आई थी, आज अचानक समझ में आ गया, हाँ अब समझ में आ गया, वही होगा। ऑडिट में ना ये डीजावू बहुत बार होता है, तुम शुरू में अगर ऑडिट पढ़ते हो बार बार वो तुम्हारे दिमाग में आते रहता है, तुम्हारी मच्योरिटी, तुम्हारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो आर्टिकल में करते हो उसके साथ वो ग्रो होते रहता है। तो ये शुरू में करना उल्टे फायदेमंद है कि यू नो ओके यू आर प्रिपेयर्ड। देखो सर 6 पेपर में आप जानते हो कि ग्रुप 2 खतरनाक है। खतरनाक क्यों है?
ग्रुप टू में जो मल्टी डिसिप्लिन वाला पेपर है जिसका नाम IBS है, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, उसकी क्लासेस करना इम्पॉसिबल के बराबर है, बिकॉज वो 7-8 सब्जेक्ट का मिक्सचर है। उसमें इंस्टीट्यूट ने कोई मटेरियल नहीं निकाला बल्कि केस स्टडीज़ निकाले, तो उसकी क्लासेस कर नहीं सकते हैं, वो खुद पढ़ना है। DT IDT में अमेंडमेंट का बहुत बड़ा एक लोड आ जाता है, वो असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का, वो एंड के लिए छोड़ा हुआ है। तो कम से कम ग्रुप वन तो एडवांस में करके रखो, क्यों ग्रुप वन के पेपर को भी तुम बाद में डिले कर रहे हो? ये बैचेस 100% पढ़ाई जा रही हैं। मैं जब पढ़ाता हूँ मेरे बैच में आने वाले 3 साल के स्टूडेंट बैठते हैं, 3 साल के, जो ताज़ा पास हुआ है स्टूडेंट वो ही बैठता है इंटर पास होके, और जो एकदम फाइनल देने वाला वो ही बैठता है। बेहतर ये है कि तुम जितनी जल्दी कर सको उतना अच्छा, उतना तुमको फ़ायदा होगा। तो हमें पहले करना चाहिए बाद में, जितना पहले करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, मैं इतना क्लियर बता सकता हूँ तुमको, ठीक है। थर्ड डाउट CA फाइनल ऑडिट के स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, सर मैं क्रैश कोर्स करना चाहता हूँ, जो मान लो सपोज 30-35 क्लास का है, मैं इतना लंबा नहीं करना चाहता। ये देख लो, आधा अधूरा प्रिपेयर करने से बढ़िया है ना प्रिपेयर करो। बिकॉज होगा क्या, जब आप कोई भी शॉर्ट कोर्स करते हो, क्रैश कोर्स करते हो, तो आपको मालूम है कि यार ये कंप्लीट नहीं है, देयर इज़ अ वेरी बिग रिस्क, और मेरे को ICAI का बुक भी मैच करा के अपने आप पढ़ना पड़ेगा। तो जितना टाइम आप वो अपने आप पढ़ने में एक्स्ट्रा पोर्शन या ICAI की बुक के साथ कंपेयर करने में लगाओगे, उससे 10% टाइम के अंदर यहाँ क्लास में 100% कवरेज हो जाएगा। तो सोच के देखो कि ये जो शॉर्ट कोर्सेज हैं ये तुमको कितना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उल्टे तुम्हारे पूरे प्रिपरेशन को ख़राब कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एक बात लिखी इस बार अपने पोस्टर में, प्रिपेयर वंस प्रिपेयर राइट। मल्टीपल जगह गलत गलत तरीके से पढ़ने से बढ़िया एक बार ढंग से 100% पूरा अच्छे से पढ़ लो, ताकि गलती नहीं हो। देखो ऑलरेडी हमारे पास इतना सारा काम है करने को, हमें आर्टिकलशिप करनी है, हमें स्किल डेवलपमेंट करना है, हमको अपने आप को ग्रूम करना है ताकि आगे जाके हम इंटरव्यू क्रैक कर सकें, हमको रैंक लाने के लिए तैयारी करनी है, हमें वो सेल्फ पेस ऑनलाइन के जो 4 सब्जेक्ट है वो पढ़ने हैं, हमें ये 6 सब्जेक्ट जिसका एग्जाम देना है ये पढ़ना है। इतने सारे हेडेक्स के बीच में एक एक्स्ट्रा हेडेक क्यों लेना है कि गलत तरीके से पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, शॉर्ट कोर्स करेंगे? इतनी सुंदर तरह से 100% ICAI का जब कवरेज आपको मिल रहा है, जहाँ सब कुछ समझाया जाएगा एग्जाम्पल्स के साथ, क्वेश्चन आंसर पूरे डिटेल में डिस्कस होंगे प्रेजेंटेशन के साथ, व्हाई आर यू मिसिंग आउट ऑन सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी? ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये किसके लिए पढ़ा रहा हूँ? ये अपने लिए तो नहीं, मुझे तो जो रैंक लाना था मेरे लिए आया, अब तो मैं तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूँ, अब तो रैंक तुम्हारा आएगा ना। इट इज़ योर फ्यूचर, इट्स नॉट टीचर्स फ्यूचर। Whoever is teaching you is teaching for your future. आपका रैंक आएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप हमें नाम बता दोगे हम अपने बुक में आपका नाम डाल देंगे, आप नहीं बताओगे अगले बैच वाला स्टूडेंट बताएगा उसका नाम डाल देंगे, यही तो होगा। पर आपका रैंक आएगा तो वो आप ही सबसे ज़्यादा इंजॉय करोगे, और सेकेंड नंबर पर आपकी फैमिली इंजॉय करेगी, क्योंकि उससे आप जो भी लाइफ में अपना करियर बनाओगे दैट इज़ फॉर योर ओन बेनिफिट एंड सेकेंड योर फैमिलीज बेनिफिट। हम टीचर्स को आप नहीं बताओगे कोई और रैंक बता देगा, सिंपल सी बात है। तो ये सोचना कि टीचर का फायदा है, नहीं, इट इज़ अबाउट अल्टीमेटली योर बेनिफिट। यू शुड लुक एट द प्लस पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस, कि इस क्लासेस से तुमको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो पोस्टर है ना, ये कंप्लीट डिटेल्स के साथ जो मैंने अभी डिस्कस किया, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला है, मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा शेयर करने के लिए। एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, सारे के सारे बुक्स आपको एक ही बार में मिल जाएंगे, अभी एडमिशन के टाइम पे शुरू में मिल जाएंगे, ऑल द 6 बुक्स यू विल गेट। तब उसके बाद जब क्लासेस चालू होगी, एक एक करके चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग तोड़ेंगे अच्छे से सारे चैप्टर्स को, ठीक है। ऑल द बेस्ट इन योर फाइनल प्रिपरेशन, इट इज़ माई ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ योर CA फाइनल प्रिपरेशन। मैनी स्टूडेंट्स हैव टेकन माई CA फाइनल ऑडिट क्लासेज एंड देयर पॉजिटिव सुपरलेटिव फीडबैक मोटिवेट्स मी टू वर्क बेटर एंड हार्डर फॉर द स्टूडेंट्स इन जनरल। थैंक यू।